आज हम लोगों का टॉपिक है वायु प्रसंचरण, एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं कि हवाएं जहां से उठती हैं, फिर आगे बढ़ करके उसी अक्षांश पर पहुंचती हैं। ये कौन सी हवाएं हैं? व्यापारिक हवा है जो अश्वच्छांद से विषुवत रेखा की ओर चलती है। विषुवत रेखा से ये हवाएं उठती हैं, पुनः अश्वच्छांद पर जाकर बैठती हैं। इसी तरह से पछुआ हवा है जो अश्वच्छांद से उपध्रुव की ओर चलती है और उपध्रुव से उठ के पुनः अश्वच्छांद पर बैठती है। और तीसरी हवा है जो ध्रुव से उपध्रुव की ओर चलती है और उठ करके ध्रुवीय क्षेत्र में पुनः बैठती है। तो इसका अध्ययन जो किया विषुवत, जो व्यापारिक पवन का अध्ययन किया हेडली ने किया, हेडली से बोलते हैं। पछुआ हवा के क्षेत्र का जो सेल का अध्ययन किया फेरल ने किया, तो फेरल से बोलते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्र में उसको ध्रुवीय सेल भी बोलते हैं। और दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं कि इस जो हवाएं स्थायी पवने हैं, सभी उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी तरफ मुड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध की सभी हवाएं अपनी बाईं तरफ मुड़ जा रही है। ये क्यों? तो इसके लिए हम लोग ये कोरियालिस बल के नाम से पढ़ते हैं। कोरियालिस क्या है? आभासी बल। ये आभासी बल, इसके संदर्भ में जो नियम दिया था हेडली ने दिया, फेरल ने दिया नियम दिया कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी तरफ चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपनी बाईं तरफ चलती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हैं अपने दाहिनी तरफ हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने बाईं तरफ हाई प्रेशर का निर्माण करती, जैसा कि वायस बैलेट ने नियम दिया था। तो ये स्थायी हवाएं हैं। इस स्थायी हवा में एक दूसरी चीज भी हम लोग देखते हैं, क्या? कि ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इसके 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं NITCZ और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं SITCZ, अर्थात नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और दक्षिण में क्या है? SITCZ, साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। उत्तरी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, और दक्षिण में हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और ये 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम की पेटी, शांत खंड है जहां हवाएं शांत रहती हैं। तो ये है स्थायी पवनों का क्षेत्र है, जिससे इसी पर जो है पूरे विश्व का क्लाइमेट डिसाइड करता है। ओके।